हेलो फ्रेंड, कुकिंग में डिजी बाई पिंकी में आपका स्वागत है। आज बनाने जा रही हूँ मछली का सीड डाल के मसूर का दाल। इस पे आप मूंग का दाल भी डाल सकते हो। बंगाली स्टाइल में मूंग का दाल में ही बनाते हैं, लेकिन मैं इसमें मसूर का दाल यूज़ की हूँ। तेल में तेज़पत्ता, सूखा मिर्ची डाल दिया। मसूर का दाल को अच्छे से धुलाई करके फिर इसको अच्छे से फ्राई करना है। दाल में पानी नहीं रहना चाहिए कि अच्छे से, जब तक ब्राउन कलर ना आ जाए तब तक मसूर दाल को फ्राई करना है कि हल्का सा ब्राउन कलर हो गया है। अभी इसमें गर्म पानी डालना है। गर्म पानी डाल के इसको अच्छे से बॉयल करना है। इसमें दो हरी मिर्ची भी डाली हूँ। देखिए बॉयल हो गया। बॉयल होने के बाद इसका एक अच्छा मिक्सर से इसको मैश करना है। अच्छा से चारों तरफ अच्छे से मिक्स कर लिया। इसमें अभी नमक, हल्दी, डालना है। नमक हल्दी को अच्छे से दाल के अंदर मिक्स कर लिया। अभी कढ़ाई में मस्ती का सीर को फ्राई करके टुकड़ा टुकड़ा करके भी फ्राई कर लिया। अभी उसी तेल में साबुत मसाला, लौंग, दालचीनी, इलायची, तेज़पत्ता, आप इसमें सूखा मिर्ची भी डाल सकते हो, थोड़ा सा जीरा डाल के इसको अच्छा सा फ्राई करके प्याज डालना है। उसके बाद लहसुन, अदरक, टमाटर के अच्छे से फ्राई करना। देखिए मसाला पक गया है। इसमें थोड़ा सा पानी डालना है क्योंकि सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करना है। इसमें जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर कलरिंग के लिए अच्छे से इसको सारे मसालों को एक साथ मिक्स करना है, जब तक मसाला से तेल ना छोड़े। मसाला से तेल छोड़ना शुरू हो गया तो मसाला पक गया है। अभी इसमें छोटा टुकड़ा हुआ मछली का सीर का टुकड़ा इसमें डाल रही हूँ। ये अच्छे से मसाले के साथ डालना है, पकाना है। उसके बाद दाल डालना है जो बॉईल हुआ पहले से, उसको डालना है। उसके बाद पक गया है तो उसके बाद चीनी डालना है। उसके बाद धनिया पत्ता, इसको अच्छे से पकाना है। दाल को अच्छे से, जितना अच्छे से पकाओगे उतना टेस्टी बनेगा। लास्ट में घी, गरम मसाला डाल के अच्छे से चारों तरफ मिक्स करके ढक्कन लगाना है तो दाल के अंदर घी, गरम मसाला का फ्लेवर आ जाएगा। देखिए बन गया हमारा मछली का सीड डाल के मसूर का दाल। मूंग डाल के जो हरी वाली मूंग दाल डाल के आप ऐसे हमारे बंगाली में बनाते हैं, लेकिन आप ऐसे मसूर दाल के साथ भी बना के एक बार देखिए, बहुत टेस्टी बनता है। एक बार घर पर ट्राई करके देखिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।